हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी एक्सेल ज्ञान, जहां पर आपको मिलती है कई सारी अलग अलग अपडेट्स। तो आज की इस वीडियो में जो हम जानने वाले हैं वो है अलग ओपनिंग्स की। कई अलग अलग ओपनिंग्स हैं, तो हम देखेंगे कि कौन सी ओपनिंग्स हैं। तो ये जो ओपनिंग आई हुई है राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, इस समय सिंधिया का नाम सुनते सभी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि मध्य प्रदेश में अब कौन सा नया भूचाल आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी खबर है। जो है वो जॉब्स की अपडेट है। तो अलग अलग ओपनिंग है यहाँ पर, तो वॉक इन इंटरव्यूज होने वाले हैं इस महीने पर। तो चलिए हम बता देते हैं कि कौन कौन सी ओपनिंग आई हुई है और इनको आप कैसे देखेंगे और क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया है और क्या क्या सैलरी जो है रहेगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस पे नीचे आना है, सबसे नीचे स्क्रॉल करके तो इस पे वैकेंसी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे वैकेंसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये नई विंडो में आपको रीडायरेक्ट कर देगा। वहाँ पर वैकेंसीज के लिए जो सूचना अपडेट हुई है वो हम देखेंगे। तो जैसे आएंगे यहाँ वैकेंसी सेक्शन में, तो यहाँ पर NAHEP प्रोजेक्ट के तहत वॉक इन इंटरव्यू हो रहे हैं। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा आपके सामने कौन कौन सी ओपनिंग है, उसका क्या विज्ञापन है। ये देखिए हमारे सामने इसके ओपनिंग का अपडेट खुल गया है। तो 13 मार्च 2020 को जो है ये अपडेट हुआ है विज्ञापन। विज्ञापन नंबर है, वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं, तो आप देख सकते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है रिसर्च एसोसिएट्स एंड सीनियर रिसर्च फेलो के लिए 6 वैकेंसी हैं और 3 वैकेंसी। इसके अलावा इनके वॉक इन इंटरव्यू हैं 27 और 28 मार्च को सुबह 11 बजे से हैं। इसके अलावा जो सेकंड वैकेंसी यानी थर्ड और फोर्थ वैकेंसी है वो ऑफिस असिस्टेंट कम अकाउंटेंट की है, 2 वैकेंसी हैं, और कंप्यूटर ऑपरेटर्स की है 7 ओपनिंग। इन दोनों के इंटरव्यू होंगे 29 और 30 मार्च को सेम 11 बजे से। तो इसके लिए आप इस वेबसाइट में देख सकते हैं, जो वेबसाइट मैंने अभी दिखाई है आप इस पर विजिट भी कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इनका ऑफिशियल जो विज्ञापन दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी तरह से सारी चीज़ें दी है, तो ये आप पूरी तरह से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या वर्क रहेंगे, कहाँ पर वर्क रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरी डिटेल यहाँ पर भी दी गई है और कहाँ पर आपकी ड्यूप्लीट रहेगी लोकेशंस, ठीक है। इसके लिए इन्होंने इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो दी है कि आप यदि रिसर्च एसोसिएट्स हैं तो PhD हो किसी सब्जेक्ट में, एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर में, और रिसर्च एसोसिएट्स के सेक्शन में इन दोनों की डिमांड की गई है। इसके अलावा क्वालिफिकेशंस जो हैं इनमें से कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए इन दोनों ओपनिंग में भी। इसके लिए रिसर्च फेलो के लिए भी इन्होंने MSc एग्रीकल्चर से मांगा हुआ है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए BCom मांगा हुआ है यानी जिनको नॉलेज हो अकाउंट्स का, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएट्स हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और सर्टिफिकेट है DCA तो भी चलेगा, और CPCT जो MP गवर्नमेंट की तरफ से चलता है स्पीड के लिए, टाइपिंग स्पीड के लिए, यदि वो है तो भी चलेगा। तो ये इन्होंने बताया है और इसके लिए एज लिमिट जो दी है इन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो ये पे करेंगे ये बहुत ही अच्छा पैकेज दे रहे हैं। देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 20,000, ऑफिस असिस्टेंट कम अकाउंटेंट के लिए 25,000, और इसके अलावा जो 3 वैकेंसी है उनमें 54,000 से 59,000 और 31,000 रहेगा, प्लस HRA पर मंथ रहेगा। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। आप जब जाएं इंटरव्यू के लिए तो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर के ले जाएं। ये आपको इस जब डाउनलोड करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि पूरी तरह से डिटेल भर के जाएं और वहाँ पर सबमिट करना होगा। आई होप वीडियो यूजफुल रहा हो। तो इसी तरह की ऑफर्म जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।